हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूं टुआ। आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाऊंगी फिश पातुड़ी। तो बंगाल का एक फेमस पातुड़ी है, तो चलिए देखते हैं मैं फिश पातुड़ी कैसे बनाती हूँ। फिश मैंने यहाँ पे 4 पीस फिश लिया है और लिया है कैश्यू नट, पॉपी सीड्स, मस्टर्ड और ग्रीन चिली, सब कुछ एक साथ मिक्स कर लिया है। इसके अंदर ही मैं 2 टीस्पून का मिक्स कर लिया है और लिया है सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सेट ऑयल और चाहिए शक्कर। शक्कर मैं इसमें यूज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसमें कार्ड यूज किया है। अगर आपको शक्कर पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इस पातुड़ी मैं बनाना लीफ में करूंगी, इसलिए बनाना लीव्स को छोटे छोटे टुकड़े में काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। पहले ही मैं एक बर्तन ले लेती हूँ, इसके अंदर फिशो ले लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मैं जो पेस्ट करके रखा था वो इसमें डाल दूंगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। रेड चिली पाउडर डालने वक्त एक ख्याल रखिएगा, इसमें ग्रीन चिली का भी पेस्ट है। अब मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। इन सारे मसाले को फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरी फिश मैरिनेट हो चुकी है, मैं इसे 10 मिनट तक ढक के साइड में रख देंगे। मैं इस बनाना लीफ को अच्छे से शेक लूंगी इसलिए ताकि जब मैं इसके अंदर फिश रख के फोल्ड करूं तो ये फट ना जाए। मैंने पत्ते को शेक लिया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा दी हूँ। अब मैं इसके अंदर पहले थोड़ा सा ग्रेवी दे देती हूँ, मिडिल बराबर देना होगा। मैं फिश को पत्ते में दे देती हूँ। इसको फोल्ड कर लूंगी, इसे पतले सूते के साथ बांध लूंगी। फिश को बनाना लिप्स में फोल्ड करना हो चुका है। अब मैं इस फोल्ड किया हुआ फिश को फ्राई करूंगी। अब मैं फिश को फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। मैं फ्राइंग पैन में फोल्ड किया हुआ फिश को दे देती हूँ। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। 5 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसे उलट के फिर से 5 मिनट तक फ्राई करूंगी। मेरी पतला पातुड़ी अभी रेडी है, अब मैं इसे उठा लेती हूँ। अब मैं आपको एक पातुड़ी खोल के दिखाती हूँ। मेरी ये पतला फिश से पातुड़ी एकदम से रेडी है, आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हो। माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी और एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।